स्वागत है आपका दर्जन सूचक में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लासेंट के द्वारा हाल ही में प्रकाशित की गई विश्व जनसंख्या पर रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि मध्य सदी के बाद दुनिया की आबादी में गिरावट आएगी। एक नए शोध में मध्य सदी के बाद दुनिया की आबादी के घटने के अलावा वैश्विक आबादी और आर्थिक शक्ति में बड़े बदलाव की संभावना जताई गई है। इसमें वैश्विक, क्षेत्रीय और 195 देशों की आबादी और उनके मृत्यु दर, प्रजनन दर और पलायन दर में परिवर्तन का अनुमान भी जताया गया है। लासेंट जर्नल में प्रकाशित विश्लेषण में भारत, चीन, जापान, इटली और अमेरिका सहित देशों के लिए भविष्य की वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी को प्रोजेक्ट करने के लिए ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज 2017 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब हम आपको बता दें क्या है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी यानी GBD बीमारी के बोझ का एक व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम है जो प्रमुख बीमारियों, चोटों और जोखिम कारकों से मृत्यु दर और विकलांगता का आकलन करता है। GBD 145 देशों के 3600 से अधिक शोधकर्ताओं का सहयोग है। चलिए अब हम वापस लासेंट की रिपोर्ट पे आते हैं, जिसमें एक प्रमुख बात बताई गई है कि अमेरिका में 2062 में जनसंख्या 36.4 करोड़ हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि मध्य सदी के कुछ समय बाद तक अमेरिका में जनसंख्या बढ़ती रहेगी और 2062 में यह 36.4 करोड़ हो जाएगी। इसके बाद इसमें कमी आएगी और 2100 ईस्वी तक 33.6 करोड़ आबादी रह जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2100 ईस्वी में भारत, नाइजीरिया और चीन के बाद अमेरिका में सबसे ज़्यादा कामकाजी आय समूह के लोग होंगे। आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि कई देश में आबादी घट जाएगी। अध्ययन में वैश्विक उम्र ढांचे में भी बदलाव का अनुमान जताया गया है। इसमें कहा गया है कि 2100 ईस्वी में वैश्विक स्तर पर 45 साल से ज़्यादा उम्र के 2.37 अरब लोग होंगे, जबकि 20 साल के कम उम्र के 1.7 अरब लोग होंगे। भविष्य में अगर हम देशों की भूमिका पर बात करें तो अध्ययन के मुताबिक इस सदी के अंत तक दुनिया बहुध्रुवीय हो जाएगी और भारत, नाइजीरिया, चीन और अमेरिका प्रभावशाली भूमिका पर रहेंगे। वैज्ञानिकों ने कहा है कि भारत में कामकाजी उम्र वाले वयस्कों की संख्या 2100 ईस्वी में घटकर 57.8 करोड़ हो जाएगी, जबकि 2017 में इनकी संख्या 76.2 करोड़ थी। साथ ही कहा गया है इस सदी में कामकाजी उम्र की आबादी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने में एशिया में भारत की बड़ी भूमिका होगी। बहरहाल अध्ययन की सीमाओं का जिक्र करते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि उपलब्ध बेहतर आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पूर्व के आंकड़ों की मात्रा और गुणवत्ता से अनुमान पर असर पड़ सकता है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।